अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जिस मुल्क में होंगे, जिस जहाँ होंगे, खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोज़ रेगुलरली देख रहे होंगे। आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ आया हूँ। आपने हमें मिस तो किया होगा, लेकिन आपने हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं, वीडियोज़ पर व्यूज़ भी आ रहे हैं। तो आज काफ़ी बंदों ने कमेंट किया था कि आप हमें अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं, किर्गिस्तान में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं उनके बारे में बताएं। तो ये सारा कुछ कमेंट्स वगैरह मैंने पढ़े हैं, तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में और जो किर्गिस्तान में फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको किसी चीज़ का भी मसला नहीं होगा और आपकी स्टडी वेल होगी। तो मैंने कहा मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एमबीबीएस इन किर्गिस्तान में, जो किर्गिस्तान में जो अहम यूनिवर्सिटीज़ हैं, पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका नाम क्या है। तो हम शुरू करते हैं बिश्केक से, क्योंकि आपको पता है बिश्केक किर्गिस्तान का कैपिटल है और बहुत ही खूबसूरत शहर है। तो बिश्केक में जो अहम यूनिवर्सिटीज़ हैं, पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो हैं 3, 4, 5। सबसे पहली यूनिवर्सिटी है किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी, जिसे हम कैजमा कहते हैं, जो मेरी यूनिवर्सिटी है। ये एक सरकारी यूनिवर्सिटी है, इसमें आपको किसी चीज़ का मसला नहीं होना। इसमें मतलब हर किस्म की आपको स्टडी मिलेगी, हर अच्छी तरह की स्टडी आपको मिलेगी। इसमें मतलब साल में एक दफ़ा एडमिशन होते हैं सिर्फ सितंबर सेशन में। बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे ISM, IUK, IMU, एशियन एक्सेट्रा, इनमें साल में दो दफ़ा एडमिशन होते हैं, फेब सेशन भी होता है, सितंबर सेशन भी होता है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी कैजमा है उसमें साल में एक दफ़ा एडमिशन होते हैं, वो भी सिर्फ सितंबर सेशन में। और इनकी लिमिटेड सीट्स होती हैं, मतलब 250-300 बच्चों ने अगर आना है तो 250-300 सीट ही होगी, बस एक बंदा भी ऊपर नहीं लेंगे। तो अच्छा, एक और बात आपको मैं बताना भूल गया था, कैजमा यूनिवर्सिटी जो है ना, इसमें कोर्स 5 साल का है। पहला साल जो होगा वो बिश्केक से तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर है, वरनसोवका और ताश्तोवो भी कहते हैं, वहाँ पे आपको 1 साल रखा जाएगा, उसके बाद आपको बिश्केक शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये थी मेरी यूनिवर्सिटी। तो इंशाल्लाह मतलब अभी मैं बता दूं आपको यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, उसके बाद मैं एंड में एक छोटी सी क्लिप्स डाल दूंगा जिसमें मेरी यूनिवर्सिटी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें हॉस्टल वगैरह, एकेडमिक ब्लॉक, गर्ल्स हॉस्टल और एक छोटा सा विज़िट होगा। तो पहले नंबर पर आ गई कैजमा, किर्गिज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। उसके बाद आती है ISM IUK, ये कैगमा के बाद ये यूनिवर्सिटी है। इसके साल में दो दफ़ा एडमिशन ओपन होते हैं, एक फेब सेशन भी ओपन होता है, सितंबर सेशन भी ओपन होता है। तो कैजमा के बाद मैं आपको कहूँगा ISM IUK में जाओ। इसके बाद तीसरी यूनिवर्सिटी जो आती है वो है एशियन यूनिवर्सिटी, एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट। ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ये इसके भी साल में दो दफ़ा एडमिशन होते हैं, फेब सेशन, सितंबर सेशन। जो तीसरे नंबर पर यूनिवर्सिटी, बल्कि चौथे नंबर पर, वो है IMU, इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ पे तादाद बहुत ज़्यादा होती है। मैं तो पहले सबसे पहले आपको भाइयों वाला अगर मशवरा दूँ, मैं यही कहूँगा तो आप कहूँगा कि आप कैजमा में आएँ, क्योंकि कैजमा में स्टडी का मियार बहुत बहुत आला है, यहाँ पे फैकल्टी बहुत आला है, यहाँ पे हॉस्टल का निज़ाम बहुत आला है। मैस तो हर जगह पर हॉस्टल का मैस हॉस्टल जैसा ही होता है, लेकिन बाकियों से बेहतर होगा। तो उसके बाद आते हैं हम बिश्केक मतलब कैपिटल से बाहर जो दो तीन यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ। इसके बाद आ जाती है कैपिटल से बाहर ओश सिटी है, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है ओश मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। और एक और है जलालाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो जलालाबाद सिटी में आ जाती है। तो ये था मतलब किर्गिस्तान में जो 7-8 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा, अगर आपने आना है किर्गिस्तान तो जो टॉप की यूनिवर्सिटी है कैगमा भी कहते हैं, कैजमा भी कहते हैं, आप इसी में ही आएँ। अगर आप इसमें नहीं आ सकते किसी भी इशू से, एडमिशन क्लोज हो जाए या जो भी हो, तो आप ISM IUK में एडमिशन अप्लाई करें। ये दो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाकी आपका जहाँ दिल करे आप जाएँ, आप हमारी काम माननी है, आपने अपनी करनी है। बाकी इंशाल्लाह आगे और वीडियो भी आएंगी। अभी आप ज़रा हमारा जो हमने छोटा सा एक अपनी यूनिवर्सिटी का इंट्रो बनाया है, इसे आप ज़रा एंजॉय करें। थैंक यू।
Yeah.